वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा हिना ख्वाजा बयात के बारे में। ये कौन है, क्या करती हैं, इनकी फैमिली में कौन कौन है, आइए मुकम्मल डिटेल्स जानते हैं। तो व्यूअर्स, उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल मसाला न्यूज़ पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि शोबिज से आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो व्यूअर्स, खूबसूरत सी अदाकारा हिना ख्वाजा बयात एक स्टाइलिश तरीन अदाकारा हैं जो कि इस उम्र में भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हैं और अपने स्टाइल की वजह से, अपने वर्सेटाइल अंदाज की वजह से बहुत पसंद भी की जाती हैं। हिना ख्वाजा बयात पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। ये 7 अगस्त 1954 को कराची में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उम्र 68 ईयर्स हो चुकी है। ये खूबसूरत सी अदाकारा बहुत से ड्रामास में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं, जैसे कि ड्रामा उड़ान, ड्रामा इश्क गुमशुदा, ड्रामा हमसफर, ड्रामा जिंदगी गुलजार है, ड्रामा मुकद्दस, ड्रामा बागी और ड्रामा शहरे जात में भी इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। बात करूं यहाँ मैं इनकी तालीमी काबिलियत की, तो इन्होंने फिल्म मेकिंग में ही बैचलर्स कर रखा है। और व्यूअर्स, बात करती चलूँ मैं इनकी फैमिली के बारे में, तो इनके पेरेंट्स में, इनके बहन भाइयों में कोई भी शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये एक नॉन आर्टिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके वालिद एक बिजनेसमैन जबकि इनकी वालिदा हाउस वाइफ हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद शोबिज में नाम बनाया है। व्यूअर्स, बात करूँ मैं ये खूबसूरत सी अदाकारा हिना ख्वाजा बयात के मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो व्यूअर्स ये अदाकारा मैरिड हैं। इनके हस्बैंड का नाम रोगर दाऊद बयात है और इनके हस्बैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हैं इनके हस्बैंड। इनकी फैमिली में इनकी एक हसीन सी बेटी भी है। रिसेंटली इन्होंने अपनी बेटी की शादी से तस्वीर शेयर करके सोशल मीडिया पर अपने फैंस को इस बात से आगाही दी कि इन्होंने अपनी बेटी की रिसेंटली शादी की है। व्यूअर्स, ये खूबसूरत सी अदाकारा जो हैं ना सिर्फ अदाकारा हैं बल्कि बिजनेस वुमेन भी हैं और इंटरनेशनली बहुत से बिजनेसेस को भी हैंडल कर रही हैं। रिसेंटली इनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, रोगर दाऊद बयात का, और उसके बाद अपने हस्बैंड के बिजनेस को भी ये खुद ही संभाल रही हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल किया गया कि अपने हस्बैंड के इंतकाल के कुछ दिन बाद ही इन्होंने शोबिज़ में काम करना शुरू कर दिया, इन्होंने तो इद्दत भी पूरी नहीं की। तो इन्होंने निदा यासिर के शो में इस बात को बताया कि ये अपने घर में अकेली ही बिजनेस वूमेन हैं और बहुत अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रही हैं जो कि वो सबको नहीं बता सकती, और उनके फैंस जो हैं वो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी करते हैं, जिसकी वजह से इनके फैंस ने इनके लिए काफ़ी दुआएं भी भेजीं। मेरी और मेरी टीम की तरफ से भी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह ताला इनको बहुत सब्र दे अपने हस्बैंड के बाद। तो व्यूअर्स, आपको ये खूबसूरत सी अदाकारा कैसी लगती हैं, इनका कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, बात करूँ मैं इनकी फ़िज़िकल अपेयरेंस की, तो इनकी हाइट 5'6", इनका हेयर कलर ब्राउन जबकि इनका आई कलर हेजल ग्रीन है, और ये खूबसूरत सी अदाकारा की कम्प्लेक्शन फेयर, इनका फेवरेट कलर ब्लैक, इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान है, जबकि व्यूअर्स इनकी हॉबी शॉपिंग करना, ट्रैवल करना, गार्डनिंग करना है। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेरों सा ख्याल रखिएगा, और अगर आप हिना ख्वाजा बयात के ह्यूज फैन हैं तो इनके लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह निगेबान।